नमस्कार। गर्मी का प्रचंड प्रकोप अभी भी जारी है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में बादलों की हलचल आरंभ हो चुकी है। क्या है और नई ताजा जानकारी मौसम के संबंध में? भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं सिंह कुमार मित्रा। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर लें। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में और साथ ही साथ 2 दिनों के दौरान गुजरात में लू चलने की संभावना है। इसका मतलब आप देख सकते हैं गर्म हवाओं का प्रकोप अभी इन जगहों पर जारी रहेगा 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत मध्य प्रदेश में और अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात में। अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, असम मेघालय में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और साथ ही साथ 7 अप्रैल 2022 के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। आइए हम देखते हैं अधिकतम तापमान वाले जो GIS मैप ये क्या दर्शा रहा है। ये GIS मैप कल का मैप है। अगर हम देखें, ये देखिए GIS मैप में ये सारी जो चीज़ें जो हम दिखा रहे हैं ये सारी इंडिकेशन है हीट वेव के। एकदम गर्मी का प्रचंड प्रकोप यहाँ पे जारी है पश्चिमी राजस्थान। अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, उत्तर गुजरात इन और मराठवाड़ा, इन जगहों की अगर हम बात करेंगे विशेष रूप से, तो तापमान जो अधिकतम तापमान है वो 41 से 43 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों के अधिकांश हिस्सों में, यहाँ पे तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। अगर बाकी जगहों की बात करें जिसमें सम्मिलित है मध्य प्रदेश, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, तेलंगाना, रायलसीमा, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाके, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें मुख्य रूप से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य से अधिक चल रहा है। अगर हम पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, यहाँ पे सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चल रहा है। बाकी जगहों की अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, सामान्य से इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। अगर हम मुख्य रूप से हीट वेव की बात करें पश्चिमी राजस्थान के ये वाले भाग, जैसा कि हमने देखा पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्सों में और पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति देखी गई है। जम्मू डिवीजन, पश्चिम मध्य के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति देखेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इन मैप्स में ये जो इंडिकेशन दिखाया जा रहा है, पहाड़ों में भी अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश, जम्मू, इन जगहों पे हीट वेव की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान देखी गई है। अब अगर हम देखें इसी मैप में ठीक इसके उलट अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों में देखें, ये देखिए यहाँ पे वर्षा चल रही है, यहाँ पे बरसात हो रही है। जैसा कि हमने बताया, हमने सटीक पूर्वानुमान किया था, भारी वर्षा यहाँ पे दर्ज की गई है। भारी से भारी वर्षा की अगर हम बात करें संख्यात्मक रूप में, मेघालय के अंडलारेम में 41 सेंटीमीटर, मौकिरवाट में 24 सेंटीमीटर, जोवाई में 20 सेंटीमीटर, माफलांग में 19 सेंटीमीटर, सोहरा में 15 सेंटीमीटर, सारे अत्यंत भारी वर्षा, अत्यधिक भारी वर्षा कह सकते हैं। असम मानस में 15 सेंटीमीटर, बेकी रोड ब्रिज में 11 सेंटीमीटर, अरुणाचल प्रदेश की बात करें दाम्बुक पासीघाट में 15 सेंटीमीटर, अगर पगलाम में बात करें ईटानगर में 13, पगलाम में 12, कासीकाग में 11 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पर दर्ज की गई। आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य में काफी वर्षा हो रही है, एक तरह से अत्यंत या अत्यधिक भारी वर्षा यहाँ पे दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आइए अधिकतम तापमान वाले जो इस मैप को हमने देखा, अब इसका पूर्वानुमान देख लेते हैं। अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और गुजरात के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में हालांकि कोई बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके 2 दिनों के पश्चात 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने जा रही है। मतलब एक तरह से 48 घंटों के दौरान में तो कोई बदलाव नहीं है, उसके बाद इसमें 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें बाकी जगहों की, मुख्य रूप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अगर हम बात करें गुजरात राज्य में, 48 घंटों के बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में हालांकि कोई खास बदलाव नहीं होने जा रहे हैं। आइए अब हीट वेव की बारे में आपको जानकारी दे दें। अगले 5 दिनों के दौरान राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना है। हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गंभीर हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये वाले भाग। अगर हम बात करें अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब और दक्षिण हरियाणा, दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में गंभीर लू की स्थिति के साथ कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति, और बाद के 3 दिनों के दौरान इन्हीं क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में हीट वेव की स्थिति की संभावना। जैसे कि हमने बताया आने वाले 5 दिनों के दौरान यहाँ पे संभावना है गर्म हवाओं का प्रकोप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति देखने को मिल सकती है।
4 से 7 अप्रैल के दौरान जम्मू संभाग, ये वाले भाग, जम्मू संभाग हिमाचल प्रदेश में, और 4 से 5 अप्रैल को पश्चिमी विदर्भ, ये वाले भाग, और झारखंड में और गुजरात राज्य में हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं संयुक्त परिस्थिति। आप देख सकते हैं संयुक्त परिस्थिति, जैसा कि हमने बताया, ये देखिए बादलों का जमावड़ा यहाँ पे धीरे धीरे ये बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की यहाँ पे संभावना देखी जा रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे पश्चिम, जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम हवाओं के संगम के कारण यहाँ पे काफी बरसात हो रही है, काफी वर्षा यहाँ पे देखी जा रही है, जैसा कि हमने दिखाया। और साथ ही साथ एक टफ रेखा, अगर आप देखिए, ये देखिए एक टफ रेखा दक्षिण प्रायद्वीप में, जो यहाँ पे मुख्य रूप से हल्की मध्यम वर्षा और साथ में साथ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आइए वर्षा और इसका पूर्वानुमान और चेतावनी के विषय में बताएं। जैसा कि हमने बताया, उत्तर पूर्वी राज्यों में, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में आने वाले 5 दिनों के दौरान एक तरह से वाइड स्प्रेड रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल या ज्यादा एक तरह से अत्यधिक रेनफॉल देखने की यहाँ पे संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 2 दिनों के दौरान, लेकिन उसके बाद इसमें एक तरह से कमी देखने को मिल सकती है। भारी वर्षा की बात करें, असम, मेघालय, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में देखने को मिल सकती है, और अत्यंत भारी वर्षा मेघालय में 4 अप्रैल जो कि आज है, आज देखने को मिल सकती है। अगर हैवी रेनफॉल की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में 5 और असम, मेघालय में 5, 7, 8 अप्रैल को, और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, गंगीय पश्चिम बंगाल में 5 और 7 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की जो संभावना है वो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सभी हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में 4 से 6 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमने बताया, एक ट्रफ है जो दक्षिण प्रायद्वीप में, साउथ पेनिनसुला में देखने को मिला। केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल हल्की सी मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है, और कर्नाटक में भी इसमें सम्मिलित है। आने वाले 5 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की गतिविधि यहाँ पे जारी रहेगी, मुख्य रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, माहे में आने वाले 5 दिनों के दौरान, आंतरिक कर्नाटक में 4 और 5 को, तेलंगाना कोस्टल एंड नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक को 5 अप्रैल को। अब जैसा कि हमने बताया, अपर एयर सर्कुलेशन जो कि दक्षिण अंडमान सागर में 6 अप्रैल को, ये लगभग 6 अप्रैल को ये एक तरह से होने की संभावना देखी जा रही है। इसके प्रभाव में लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र, और उसके सब्सिक्वेंट, उसके आने वाले 24 घंटों में, यानी कि 7 तारीख को होने बनने की संभावना देखी जा रही है, वो है दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी। अब इससे क्या होगा, इससे होगा अंडमान निकोबार आइलैंड में भारी वर्षा 6 अप्रैल को देखी जा सकती है। स्क्वाली वेदर, जिसमें 40 से 50 किलोमीटर हवाओं की तीव्रता 60 किलोमीटर प्रति घंटों की रफ्तार से देखने को मिल सकती है दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में, अंडमान, एक तरह से दक्षिण अंडमान में 6 अप्रैल को, और जो इसमें हवाओं की तीव्रता होगी वो 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। दक्षिण पूर्व बंगाल की, एक तरह से बंगाल की खाड़ी में 7 अप्रैल को भी हवाओं की तीव्रता 50 से 60 किलोमीटर के लगभग रहेगी, और मध्य भाग में और श्रीलंका कोस्ट के पास ये 8 अप्रैल को यही स्थिति देखने को मिलेगी। मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पर न जाए। अब जैसा कि हमने बताया कि हमारे 5 दिनों के पूर्वानुमान के मैप, इनकी ज्यादा जानकारी आप हमारी वेबसाइट में आके देख सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।